इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के मैथ के चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इस जीरो इज अ रेशनल नंबर। देखो हमसे क्वेश्चन पूछा कि जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है। अब देखो रेशनल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो होता है हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे, यानी कि अपॉन की फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू क्या है, दो इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है ये। तो क्या जीरो को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? ठीक है, जीरो जो होता है आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। एग्जांपल क्या है, अपॉन की फॉर्म में तो लिखना है, तो जीरो अपॉन वन लिख दो, जीरो अपॉन माइनस टू लिख दो, जीरो अपॉन फाइव लिख दो, जीरो अपॉन सिक्सटीन लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो ये भी तो अपॉन में लिखे हैं, तो क्या हो गया, जीरो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस, हैंस को यहाँ पर यस लिखते हैं ना सीधा, यहाँ पर यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।